हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th SST. एज यू नो वेरी वेल, इन SST वी आर डिस्क्राइबिंग चैप्टर नंबर 4 इन हिस्ट्री. चैप्टर नंबर 4 इज़ द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. जैसा कि हमने टाइमलाइन में ही स्टडी किया था कि कौन सा एम्परर किसके बाद आया, कितने ईयर्स तक उसने शासन किया और कौन कौन से उसने युद्ध लड़े. इसी सीरीज में हमने मुगलों का जो उदय था ये पढ़ चुके हैं और अकबर के बारे में भी हमने स्टडी किया था. लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे औरंगजेब के बारे में. औरंगजेब जो कि एक महान शासक के रूप में माना जाता है, उसके स्टडी किया हमने. अब हमको पढ़ना था इसी के बारे में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ से आज हमको स्टडी करना है. पिक्चर्स में आप औरंगजेब को देख सकते हैं. खालसा सिख लोग खालसा में कन्वर्ट हो गए जब उनके गुरु को निर्दयता के साथ मार दिया गया, तो वहाँ से वो एक आर्मी कमेटी में कन्वर्ट हो गए जिनको खालसा कहा गया. फिर बहादुर शाह जफर जो अंग्रेज़ों के समय 1857 में जो क्रांति हुई उस समय उनको कैप्चर कर लिया गया और म्यांमार भेज दिया गया था. यहाँ तक हमने स्टडी किया. इनका पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं. अब हमको स्टडी करना है द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. जो मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके था. तो मुगल्स वर कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस शेर शाह एन इंडियन रूलर इंट्रोड्यूस्ड इन्वेंशंस इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर इम्प्रूव्ड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव लिगेसी ऑफ शेर शाह एंड डेवलप्ड सच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट हिज सक्सेसर्स हैड टू ओनली मेंटेन इट विद माइनर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. मुगल्स वर कैपेबल एडमिनिस्ट्रेशन करने में जो मुगल्स थे बहुत ही सक्षम थे. उनको ये कला बहुत अच्छे से आ रही थी. फर्स्ट टाइम शेर शाह के समय से एन इंडियन रूलर इंट्रोड्यूस. एक भारतीय रूलर जब एक युद्ध करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ. ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर इम्प्रूव्ड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेजेसी. अकबर ने एडमिनिस्ट्रेटिव की लगभग लगभग हर ब्रांच को इम्प्रूव कर दिया था. शेर शाह एंड डेवलप्ड सच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. और इस तरीके का शेर शाह ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया कि उसके आने वाले जो सक्सेसर्स थे उसको केवल मेंटेन करके उन्होंने रखा. टाइम टू टाइम माइनर चेंजिंग करते रहे और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंटिन्यू चलता रहा. द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. द एम्परर वॉज द प्लॉट ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन. जो सम्राट होता था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था. ही वॉज एन ऑटोक्रेट एंड हैड अल्टीमेटेड पावर्स. द एम्परर डिड नॉट कैरी आउट द होल एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल हैंडेड. एम्परर केवल अकेले ही इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं आगे बढ़ा सकता था. ही हैड ए नंबर ऑफ मिनिस्टर्स. इसके लिए उसको बहुत से मंत्रियों की ज़रूरत पड़ती थी टू असिस्ट, सलाह देने के लिए एंड सहायता करने के लिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर द वकील. जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें से वकील, दीवान, मीर बख्शी एंड खान अ शम. द वजीर वॉज द चीफ मिनिस्टर. द दीवान कंट्रोल द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस. जो दीवान होता था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता था एंड रेवेन्यू, टैक्स रिलेटेड जो मैटर्स होते थे उनको कंट्रोल करता था. ही मेड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट. द मीर बख्शी वॉज मेनली कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड इंस्पेक्शंस ऑफ द आर्मी. जो मीर बख्शी होता था वॉज मेनली कंसर्न्ड विद द रिक्रूटमेंट, मेंटेन रिक्रूटमेंट करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका इंस्पेक्शन करना आर्मी का, ये उसका काम होता था. ही वॉज द पे मास्टर ऑफ द इम्पीरियल आर्मी.
और वो इंपीरियल आर्मी का पे मास्टर होता था। द खान ए समन जो होता था वॉज इन चार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। जो रॉयल हाउस होल्ड यानी जो सम्राटों का जो घर होता था, हाउस होता था, उसका वो रॉयल इंचार्ज हुआ करता था। हिज मेन ड्यूटीज वर टू कंट्रोल द एम्परर्स पर्सनल सर्वेंट। उसका जो मुख्य ड्यूटी होती थी वो एम्परर के जो पर्सनल सर्वेंट होते थे उनको कंट्रोल करना एंड लुक आफ्टर द फूड, भोजन की देख रेख करना, स्टोर्स एक्सेट्रा इनकी देख रेख करना। ही आल्सो मैनेज द खरखनाज। द सदर असदूर वॉज द इनक्रेज इस्लामिक लर्निंग। और इस्लाम इनका काम होता था इस्लामिक लर्निंग यानी इस्लाम धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना। ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट सच एज काजी, ऑफिशियल और जुडिशियल यानी न्यायिक व्यवस्था और कार्यालय की व्यवस्था, इसका डिपार्टमेंट काजी के पास और मुफ्तीस के पास होता था और अपॉइंटेड बाय द किंग ऑन हिज रिकमेंडेशन। नाउ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द मुगल एम्परर हैड डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविंसेस और द सूबास। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन एज द सूबेदार और द सिपरसलार। His duties were to maintain peace and order in the province, to hold court and administrate fair justice, and to encourage agriculture, trade and industry. इनको बढ़ाने का काम हुआ करता था इसका, fair justice, agriculture and trade, industry in the province. The subedar was the supreme मिलिट्री कमांडर इन द प्रोविंसेस। और सूबेदार मिलिट्री कमांडर का सुप्रीम हुआ करता था। ही हैड द पावर्स टू पनिश डिसओबीडियंस सबऑर्डिनेट्स बट देयर वर सर्टेन चेक्स ऑन द पावर्स ऑफ द सूबेदार। एटलीस्ट थ्री सेंट्रल मिनिस्टर्स दीवान, मीरबख्शी एंड सादर अ सदूर हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द सूबेदार। द एम्परर अपॉइंटेड द सूबेदार इन द कंसल्टेशन विद दीज मिनिस्टर। जो सूबेदार होता था उसकी जो नियुक्ति अपॉइंट किया जाता था वो इन्हीं मिनिस्टर्स की हेल्प लेकर के, सहायता लेकर के, इन्हीं के सलाह पर नियुक्त किया जाता था। द प्राइमरी यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द विलेज। और सबसे जो प्राइमरी यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो विलेज था। इट वॉज अंडर द चार्ज ऑफ मुकदम। और ये मुकदम के चार्ज में होता था, अ पटवारी एंड अ चौकीदार। द पंचायत सेटल्ड विलेज डिस्प्यूट्स। और जो पंचायत होती थी वो गांव के झगड़ों को निपटाने का काम करती थी। और द रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।